दोस्तों श्रद्धा कपूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और गायक है जो कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करती है। श्रद्धा कपूर एक फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम शक्ति कपूर है जो कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता है। उनकी माँ का नाम शिवांगी कपूर है। उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम सिद्धार्थ कपूर है। दोस्तों श्रद्धा कपूर ने अपनी स्कूली पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की जहां उनके साथ अभिनेता ट्रेगर श्रॉफ और अभिनेत्री आथिया सेट्टी भी पढ़ती थी। श्रद्धा कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 3 पत्ती से की थी। फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली लेकिन श्रद्धा के अभिनय को सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद वे फिल्म लव का दी एंड में दिखाई दी लेकिन फिल्म आशिकी 2 ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से असली पहचान दिलाई और फिल्म को हर तरफ से सराहा गया। इसके बाद तो उनके कैरियर में सब कुछ अच्छा ही होता गया और उन्होंने एक विलन हैदर ABCD2 बागी हाफ गर्लफ्रेंड और स्त्री जैसे हिट फिल्में की। श्रद्धा कपूर की फिल्में 3 पत्ती लव का डी एंड आशिकी 2 गोरी तेरी प्यार में एक विलन हैदर ABCD2 रॉक ऑन ओके जानू हसीना द क्यून ऑफ मुंबई नवाबजादे स्त्री बत्ती कुल मीटर चालू साहो छिछोरे स्ट्रीट डांसर बागी 3। श्रद्धा कपूर को अपनी फिल्मों के साथ ही विज्ञापनों के द्वारा भी अच्छी कमाई होती है। वे इन सब के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा कपूर की नेटवर्थ 57 करोड़ रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि वे एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। उनकी माता शिवांगी कोल्हापुरी है जिनकी बहन पद्मनी कोल्हापुरी बॉलीवुड में जानी मानी एक्ट्रेस है। श्रद्धा कपूर ने बोस्टन से साइकोलॉजी की पढ़ाई की लेकिन फिल्म का ऑफर मिलने के कारण उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। श्रद्धा कपूर को गाने का भी शौक है इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर के चचेरे भाई से शास्त्रीय संगीत शिक्षा ली। साल 2013 में आशिकी 2 फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म की कहानी 1990 में आई फिल्म आशिकी की रीमेक्स थी। उसी फिल्म के कंटेंट पर आधारित मोहित सूरी ने आशिकी 2 फिल्म 2011 में बनाई थी जो 2013 में रिलीज हुई। यह फिल्म 1.09 बिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल फिल्म बनी। साल 2014 में श्रद्धा कपूर की एक नई फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आई थी, वह थी एक विलेन। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने एक गाना भी गाया था जिसके बोल थे गलियां तेरी गलियां। यह फिल्म काफ़ी सफल हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से अधिक की कमाई की। दोस्तों आपको बता दें जानकारी से पता चला है कि साल 2022-23 के बीच भी श्रद्धा कपूर की कई आगामी फिल्में रिलीज होने वाली है और कई फिल्मों में अभी भी यह काम कर रही है। श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म नागिन स्ट्रीट 2 धड़कन 2 लव रंजन की अगली बड़े मियां छोटे मियां और चालबाज लंदन में। आगे और भी जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें और खुश रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। चैनल में विजिट करने के लिए थैंक यू।